दोस्तों, अग्निपथ योजना का खुलकर विरोध और देश की सेना को बर्बाद कर देने वाली योजना बताने वाले परमवीर चक्र विजेता सियाचिन के हीरो कैप्टन बाना सिंह ने अग्निपथ के विरोध वाला ट्वीट डिलीट कर दिया तो लोग सवाल उठाने लगे। अग्निपथ योजना पर खुलकर बोलते हुए कैप्टन बाना सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था, हमारे देश को बचाइए, अग्निपथ योजना हमें बुरी तरह से प्रभावित करने वाली है। भारत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, युवा हमारी मातृभूमि के भविष्य हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कैप्टन बाना सिंह ने ये ट्वीट अग्निपथ के विरोध में किया था, लेकिन कल 23 जून को, जिस दिन 1987 में उनके पराक्रम को देखकर उन्हें परमवीर चक्र मिला, उसी दिन उन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश में परमवीर चक्र विजेता पर भी कोई दबाव बना रहा है क्या। पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने लिखा, कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र ने ये ट्वीट डिलीट क्यों किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यही तथ्य है कि एक परमवीर चक्र विजेता को अपनी ईमानदारी डिलीट करनी पड़ रही है। मोदी के भारत में अग्निपथ पर बोलना बोलने की आज़ादी पर ही नहीं बल्कि बोलने की बाद की आज़ादी पर भी खतरे के समान है। पत्रकार विनोद कापरी कहते हैं, आज के दिन सियाचिन में विजय गाथा रचकर परमवीर बन जाने वाले बाना सिंह को अग्निपथ के खिलाफ का ट्वीट आज ही के दिन क्यों डिलीट करना पड़ गया। दोस्तों, आपको बता दें, बाना सिंह की 23 जून 1987 की बहादुरी पर आज के दिन लोग इनको बधाई भी दे रहे हैं। 23 जून 2022 यानी कि कल इंडियन आर्मी की ADG ने ट्वीट किया, 23 जून 1987 को नायब सूबेदार बाना सिंह ने अपनी टोली के साथ सैकड़ों मीटर ऊंची खड़ी बर्फ की दीवार पर चढ़कर दुश्मन की कायद चौकी पर कब्जा किया। आज उसे बाना पोस्ट के नाम से जाना जाता है और जिसके लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, आपको बता दें, अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ से बात करते हुए कैप्टन बाना सिंह ने कहा, मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे थे इसलिए हमने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा आगे भी हम मुखरता से बोलते रहेंगे। उन्होंने टेलीग्राफ से बताया कि जिस तरह से अग्निपथ योजना सब पर थोपी गई है वह तानाशाही से कम नहीं है। आगे उन्होंने कहा, एक लोकतंत्र में इस तरह के उग्र फैसले सभी पक्षों और पूर्व सैनिकों के साथ विचार विमर्श के बिना ही नहीं लिए जा सकते हैं, जो सेना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तव में युद्ध लड़ा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सिंह ने कहा, यह तानाशाही जैसा है जैसे मैंने कोई फैसला लिया और इसे लागू किया जाना है। सेना की नई अग्निपथ भर्ती योजना के तहत निचले रैंक के 3/4 सैनिकों को बिना पेंशन या ग्रेच्युटी के ही 4 साल की सेवा के बाद सर्विस से हटा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सेना के बढ़ते वेतन और पेंशन बिलों में कटौती के मकसद से इस भर्ती योजना को लागू किया गया है।